वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच, जो कि आज खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग की टीम कैसे क्रिएट करनी है और क्या बेस्ट टीम रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, मजा आने वाला है। बात करें वेन्यू की, सो यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच होने वाला है। यहाँ पर हमने IPL में देखा था जो फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो तीनों ग्राउंड में दुबई में सबसे अच्छा रहा था, 156 का यहाँ पर एवरेज स्कोर है। लेकिन अभी तक जो वर्ल्ड कप के मैचेस हमने देखने को मिले हैं, हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ है। और कल का मैच जो था वेस्टइंडीज का, उसमें सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी वेस्टइंडीज, और वो मैच दुबई में ही हुआ था। और चेस करते हुए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चेस करते हुए, चार विकेट जो है इंग्लैंड के भी विकेट गिर गए थे और रन मेकिंग बहुत इजी नहीं थी, बॉल फंस के आ रहा था। लेकिन ये वाला जो मैच है, ये वाला बॉक्स ऑफिस मैच है। जितनी कमाई पूरे वर्ल्ड कप से नहीं होगी शायद उतनी कमाई ये एक मैच देके जाएगा। सो ये बॉक्स ऑफिस मैच है और ऐसे मैच में पिच क्यूरेटर भी चाहेंगे कि अच्छा विकेट तैयार करके दिया जाए, जहाँ पे अच्छे खासे रन 150-160 रन एटलीस्ट देखने को मिले दर्शकों को, ताकि लोगों को भी अच्छा मैच देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से कल से तो बेटर विकेट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक आज का जो मैच है वो विकेट के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरीके का विकेट क्रिएट किया जाता है। बट फिर भी 150-160 वाला स्कोर हमें देखने को मिलना चाहिए। बात करें टीम इंडिया की, सो यहाँ पर जो है रोहित शर्मा KL राहुल के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, विराट कोहली हैं, फिर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, भुवनेश्वर कुमार और ठाकुर में से कोई एक खेलेगा। मुझे लगता है कि ठाकुर को मौका मिल सकता है। यहाँ पर शामी है, बुमराह है और वरुण चक्रवर्ती और आर अश्विन में से किसी एक को मौका मिल सकता है। बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, सो इन्होंने अपने 12 प्लेयर बता दिए हैं। सो यहाँ पर रिजवान ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ, फिर फखर जमान है, मोहम्मद हफीज़ हैं, यहाँ पर शोएब मलिक या हैदर अली में से कोई एक खेल सकता है, आसिफ अली हैं, इमाद वसीम हैं, शादाब खान, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हैरिस रॉफ जो हैं ये आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। बात करें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, सो हेड टू हेड की बात करें, सो T20I में यहाँ पर इंडिया ने 7 मैच जीते हैं और एक मैच जीता है पाकिस्तान ने। मोस्ट रन्स की बात करें, सो सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो विराट कोहली के हैं 254, उसके बाद आते हैं मलिक के 164, मोहम्मद हफीज़ के 156। हाईएस्ट स्कोर की बात करें, सो विराट कोहली के 78 नॉट आउट, उसके बाद आता है मोहम्मद हफीज़ 61 और यहाँ पर फिर शोएब मलिक जो है 57 नॉट आउट की पारी खेली हुई है। मोस्ट विकेट्स बात करें, भुवनेश्वर कुमार के 5 हैं, फिर हार्दिक पांड्या के 4 और रविंद्र जडेजा के 4। और अगर बात करें विराट कोहली की, सो विराट कोहली ने 3 मैच जो खेले हैं, सो 3 मैच में अभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 में वो डिसमिस नहीं हुए हैं, सो अभी तक आउट ही नहीं हुए हैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट T20I में। सो ये भी देख कर चलना है। बात करें रोहित शर्मा की, इंडिया की तरफ से ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। सो रोहित शर्मा ने जो है, अगर इस मैच की बात करें, देखो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, पिच रिपोर्ट इस मैच के लिए सबसे की रहने वाली है, क्योंकि पिच रिपोर्ट कैसी होगी उसके ऊपर ये वाला मैच जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि बॉलर्स, क्योंकि विकेट्स इतने निकाल रहे हैं तो बैट्समैन को इतने पॉइंट्स मिलते नहीं हैं, और एक बॉलर 33 पॉइंट तक का विकेट निकाल रहा है, सो बैट्समैन ज़्यादा लेना आज की डेट में ड्रीम 11 पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की बन चुका है। तो उसके चलते आपको कम बैट्समैन लेकर, 3 से 4 बैट्समैन लेकर हमें जाने होंगे। तो अब हमें सिलेक्शन जो है उसी बेसिस पर करना है। बात करें रोहित शर्मा की, देखो रोहित शर्मा को जो ट्रबल कर सकता है वो है शाहीन अफरीदी, क्योंकि यहाँ पर लेफ्टी बॉलर हैं, और अगर आप देखो तो लेफ्टी बॉलर जो है वो तंग करते हैं, जैसे ट्रेंट बोल्ट ने पहले काफ़ी किया है। तो उसी तरीके से अगर बॉल स्विंग करने को मिलती है तो यहाँ पर जो है रोहित शर्मा को जो ट्रबल कर सकते हैं वो शाहीन अफरीदी हैं। अगर उनके ओवर यहाँ पर निकाल देते हैं, सो फिर हिटमैन मुझे लगता है लंबी पारी जो है वो इस मैच में खेल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 2 ओवर में मुझे लगता है यहाँ पर शाहीन अफरीदी से थोड़ा बचकर चलना होगा। KL राहुल की बात करें, सो दोनों मैच में अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, सो एक अच्छी चॉइस रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन की भी। KL राहुल जो है एक अच्छी चॉइस बनेगी स्मॉल लीग के लिए। विराट कोहली की बात करते हैं, सो विराट कोहली जो है आपको पता है रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा, और ये वाला एक ऐसा मैच है कि जो हर प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस देना चाहेगा, और विराट कोहली तो इस टाइम वैसे ही परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा भूखे होंगे कि किसी तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। तो ये वाले मैच में विराट को करना चाहिए अच्छा। तो ये जो इंडिया का टॉप 3 है, अगर आप बैटिंग से देखो, सो इंडिया का जो मेन है वो टॉप 3 ही है।
सो ये तीनों पर ही मेन फोकस करना है बैटिंग सेक्शन में। बात करें सूर्य कुमार यादव की, सेकंड डाउन खेलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में और सिलेक्शन काफी कम है, आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम कर जाएंगे और साथ के साथ क्रेडिट सेवर काफी अच्छे रहने वाले हैं। बात करते हैं ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत टैलेंटेड खिलाड़ी बट लेकिन इंडिया का टॉप फोर जो है वो काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर बैटिंग तो जैसा विकेट चल रहा है आई जाएगी, लेकिन टॉप फोर इंडिया काफी मजबूत है सो, और दूसरी तरफ जो है ओपोनेंट में रिजवान है सो वो बेटर पिक जो है रिजवान बन के आती है, बट अगर विकेट्स गिरते हैं सो ऋषभ पंत भी बुरी पिक नहीं है। हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे, बॉलिंग के चांसेस कम है। इवन रोहित शर्मा से पूछा भी गया था कि क्या हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि लेटर स्टेजेस पर हम चाहेंगे वो थोड़े बहुत कर दें ओवर, वरना जो अभी के लिए सिक्स्थ बॉलर है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, जरूरत पड़ती है तो इनमें से कोई कर सकता है। सो विराट यहाँ पर हार्दिक पांड्या क्लियरली एज अ बैट्समैन खेलेंगे और यहाँ पर खेलते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी पिक नहीं होगी एज अ बैट्समैन स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि बैटिंग काफ़ी नीचे आने वाली है। रविंद्र जडेजा की बात करें तो यार ये स्टार खिलाड़ी है, मतलब बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर तरीके से ये आपको पॉइंट्स दे सकता है। चेन्नई के साथ ये था कि कई बार ओवर्स जैसे जडेजा का एक ओवर कट गया और उनकी जगह मोइन अली को लगा दिया या किसी और ने कर दिया, लेकिन इंडिया के पास हैं ही पांच बॉलर तो भाई जडेजा के पूरे ओवर आने हैं। सब इंडिया की तरफ से फ़ायदा ये रहेगा कि मोस्टली पांच बॉलर ही इंडिया पूरे करेगी, तो उन पांचों की बॉलिंग पूरी आने वाली है जो जो खेलेगा, तो यहाँ पर ये एक बेनिफिट रहेगा इंडियन बॉलर्स के साथ। वहीं पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो किसी भी बॉलर के ओवर कट सकते हैं, ध्यान रखना है। सो रविंद्र जडेजा एक बहुत बढ़िया चॉइस है और एक ऐसी पिक जो आपको स्मॉल लीग में कैप्टन वाइज कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि अगर विकेट जो है वो क्योंकि इस मैच में इंडिया की तरफ से बहुत अच्छे बैट्समैन है, इवन पाकिस्तान के पास भी रिजवान और बाबर आजम है, लेकिन बैटिंग विकेट अगर नहीं मिलता सो मुझे लगता है रविंद्र जडेजा एक काफ़ी अच्छी और सेंसिबल चॉइस रहेगी स्मॉल लीग कैप्टन वाइज कैप्टन के लिए। ठाकुर की बात करें सो यार ठाकुर ने क्या नहीं कर सकता पिछले कुछ टाइम में, मतलब हर चीज़ इन्होंने जो करी है वो होते हैं ना मिट्टी पे भी हाथ लगाया तो वो सोना हुई है, तो इस तरीके की इनका पिछला एक डेढ़ साल रहा है, तो अगर खेलते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छी पिक होंगी और स्पेशली पहले अगर इंडिया बॉलिंग करती है सो ठाकुर आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह नो ब्रेनर पिक रहेंगी, दोनों ही आपकी टीम में होने चाहिए, आप दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। स्मॉल लीग में आप बुमराह को प्रेफर कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में मोहम्मद शामी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। आर अश्विन और यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती में से कोई खेलेगा, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस को देखते हुए अश्विन को खिला सकते हैं, लेकिन अगर मिस्ट्री वाला एलिमेंट चाहते हैं सो टीम जो है वो वरुण चक्रवर्ती को खिला सकती है, दोनों ही अच्छे बॉलर हैं, अश्विन के पास एक्सपीरियंस बहुत है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, तो मे बी सरप्राइज करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को टीम में लाया जा सकता है। बात करें डेथ बॉलर की सो बुमराह और मोहम्मद शामी है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी की बात करें सो केएल राहुल, यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, बुमराह और शामी, ये इंडिया के अगर आप ये प्लेयर लेकर चलते हो सो मोस्टली आपकी इंडिया की जो टीम है वो कवर हो जाती है। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्च्यून के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी के थ्रू जुड़ना, फेक चैनल्स बहुत सारे हैं हमारे नाम के सो उनसे बचकर रहना, और आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बात करते हैं पाकिस्तान की सो यहाँ पर रिजवान ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, सो रिजवान जो है काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है यार, इन्होंने मतलब इस सीज़न अगर आप देखें ना पाकिस्तान की टीम अच्छी नज़र आ रही है, वो रीज़न ही रिजवान और बाबर आजम का फॉर्म है, दोनों ही बहुत ही अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं और बहुत रन्स करके आ रहे हैं, और आपके पास रिजवान आपको विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स देगा सो ये एक अच्छी पिक आपके लिए बन सकती है स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की। और बाबर आजम हमेशा एवरग्रीन प्लेयर रहा है इनका, जब से खेल रहा है बहुत रन्स करता है तो वार्म अप में भी अच्छा करके आ रहा है, तो यार अच्छी पिक रहेंगी, दोनों आपकी टीम में होने ज़रूर चाहिए और इवन कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छी दावेदार रहेंगे। फ़कर ज़मान का रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा है सो ध्यान रखना, वन डाउन बैटिंग करेंगे और इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करते हैं तो ध्यान रखना, अच्छी पिक आपके लिए बन सकती है, डिफरेंशियल प्लेयर का काम भी कर जाएंगे। मोहम्मद हफीज़ हैं, सेकंड डाउन बैटिंग कर सकते हैं और आपके लिए ओवर जो है शायद ओवर उतने ज़्यादा ना मिले क्योंकि इंडिया के पास राइटी बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो शायद इतने ओवर इनको इस मैच में ना कराए जाएँ,
एज कम्पेयर टू अदर मैच, जिस मैच में लेफ्टी बैट्समैन सामने ज़्यादा होंगे वहाँ पर ज़्यादा बॉलिंग करने को मिल सकती है, बट ज़रूरत पड़ी तो एक से दो ओवर ज़रूर कर सकते हैं। सेम है मलिक का, मलिक को भी एज अ बैट्समैन ही कंसिडर करना। बॉलिंग अगर मेरे हिसाब से पहली प्रेफरेंस किसी को मिलती है तो वो मोहम्मद हफीज़ ही होंगे। मलिक से रिसेंट टाइम्स में इतनी बॉलिंग नहीं कराई गई है, बट हफीज़ से बिल्कुल कराते हैं। तो अगर दोनों में से कोई किसी एक को पहले बॉलिंग मिलेगी तो वो हफीज़ है, तो दोनों में से किसी एक को प्रेफर पहले करना, सो मोहम्मद हफीज़ को पहले प्रेफरेंस देनी है। आसिफ अली हार्ड हिटर हैं लेकिन बैटिंग काफ़ी नीचे करते हैं, यूज़फुल 20-30 रन बनाकर ज़रूर दे सकते हैं बट स्मॉल लीग में अवॉइड कर सकते हैं। इमाद वसीम एक अच्छी पिक आपके लिए हो सकती है, क्योंकि कल भी आप देखो सेकेंड इनिंग में भी बॉल जो है ना वो फंसा था अकील हुसैन की, दो उन्होंने कोट एंड बोल्ड किए थे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। इमाद वसीम जो है उनकी बॉल ना फंस सकती है और फंस के थोड़ा सा बैट पर इतना इजी नहीं आएगी, प्लस आपको बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, तो आपके लिए एक डिसेंट पिक रहेगी। शादाब खान अगेन एक लेग स्पिनर, और इंडिया में विराट कोहली को भी लेग स्पिनर थोड़ा तंग करते हैं, सो यहाँ पर इनका जो यूज़ है वो विराट कोहली के अगेंस्ट करेंगे, मैचअप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान की टीम। और शादाब खान जो है फील्डर बहुत तगड़ा है, प्लस आपको बैटिंग भी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, सो आप इमाद वसीम और शादाब में से किसी एक या इवन दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोनों अच्छे ऑलराउंडर है। हसन अली इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपके लिए एंड में आके छक्के भी लगा के दे देते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। यहाँ पर शाहीन अफरीदी, जैसा मैंने कहा विकेट में अगर पेसर्स के लिए कुछ मदद हुई तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी जो है इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, अगर स्टार्टिंग में कोई मदद नहीं है तो ये वेस्ट हो सकते हैं, तो इनका जो डिपेंड करेगा विकेट किस तरीके का है, उस तरीके किस तरीके का विकेट खेलेगा उस पर डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट के ऊपर। बाकी प्लेयर अच्छा है और आप बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हैं। हैरिस रॉफ जो है काफ़ी पिटाई होती है बट विकेट ले जाता है, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है तो आप हैरिस रॉफ को अपनी टीम में ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें डेथ बॉलर की, सो हसन अली, रॉफ और अफरीदी यही तीनों होंगे इनमें से, हसन अली और रॉफ, और अगर एक आधा ओवर जो है मतलब लास्ट के चार ओवर जो है ना वो इन तीन में से होंगे, हो सकता है कि दो रॉफ हों या फिर दो हसन अली और एक एक ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, सो यही तीन जो है वो ओवर करने वाले एंड के। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें सो रिजवान, यहां पर हफीज, बाबर आजम, हसन अली और यहां पर शाहीन अफरीदी, ये इनके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, अगर आप इन प्लेयर्स पर फोकस करते हो सो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की टीम जो है वो आपकी कवर हो जाती है। बात करें स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो केएल राहुल है, बाबर आजम, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ये कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में आप कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में जडेजा, हसन अली और मोहम्मद शामी को ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। अगर चलें ड्रीम इलेवन की तरफ, टीम की तरफ, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर मोहम्मद रिजवान हैं और ऋषभ पंत हैं, यहाँ पर मैं रिजवान के साथ गया हूँ। आप चाहें तो पंत को ले सकते हैं, प्लेयर अच्छा है लेकिन रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में, प्लस ओपन करेंगे तो मैं रिजवान के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर जो है बाबर आजम और केएल राहुल दोनों मेरे पास होंगे, सो यहाँ पर दोनों मेरे पास होंगे, केएल राहुल भी और बाबर आजम भी। अब यहाँ पर देखो अब क्रेडिट की ना काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, सो रोहित शर्मा और यहाँ पर विराट कोहली, इनमें से किसी एक को पिक करना होगा तभी आप अच्छी टीम बना पाओगे, सो उसके लिए अभी हम बाद में आते हैं बैटिंग सेक्शन पे। ऑलराउंडर सेक्शन में जो मेरी पिक होने वाली है वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मोहम्मद हफीज़ को भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और सीनियर प्लेयर को परफॉर्म करना होगा अगर पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा भी अच्छा करना है इस मैच में तो। लेकिन मैं यहाँ पर जो एडवाइस करूँगा वो है इमाद वसीम और शादाब, क्योंकि दोनों बॉलिंग करेंगे प्लस आपको कंट्रीब्यूशन बैटिंग से भी दे सकते हैं, सो आप इनमें से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जो चार पिक जो मेरी टीम में होने वाले हैं वो हैं बुमराह, शाहीन अफरीदी, यहाँ पर मोहम्मद शमी और हसन अली, ये चारों के साथ मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके का विकेट चल रहा है और वैसे भी अगर आप देखो दुबई में मतलब यूएई में लगातार पहले आईपीएल हुआ, फिर अब जाके लगातार फिर अब वार्म अप मैचेस भी इतने हो गए हैं सब चीज़ें, फिर ठीक है फिर क्वालिफाइंग मैचेस हुए, सो बहुत सारा क्रिकेट जो है वो लगातार हो रहा है यूएई में, सो इसके चलते विकेट पे बैटिंग करना इतना इजी नहीं होगा, सो बॉलर के साथ मैं चारों के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर जो अश्विन खेलते हैं, अश्विन डिसेंट पिक है,
यहां पर हैरिस रॉफ अच्छे होंगे अगर टीम पहले बॉलिंग करती है, ठाकुर इंडिया से अच्छे होंगे अगर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करती है। सो जो भी टीम पहले बॉलिंग करती है आप उनके साथ जा सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं सो आपका क्रेडिट सेव भी कर जाएंगे और आपके लिए मिस्ट्री एलिमेंट भी देंगे। सो ये चार मेरे पास हैं। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। अभी के लिए मैंने शादाब खान को लिया है, यहाँ पर इमाद वसीम को ले सकते हैं। ये वाली जो चॉइस है ना, ये इलेवेंथ प्लेयर वाली समझना, अभी ये फ्री चॉइस आपके पास रहने वाली है। अभी के लिए हम यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में इम्पॉर्टेंट फैसला लेना होगा कि यहाँ पर रोहित शर्मा को लेना है या फिर यहाँ पर लेना है विराट कोहली को। सो ये अगर देखो विकेट जो है बैटर खेलता हुआ नज़र आया, अगर शाम को लगता है कि विकेट जो है वो थोड़ा हार्ड है, तो उस केस में जो है हम रोहित शर्मा को लेकर चलेंगे। अगर ऐसा लगा कि यार विकेट जो है वो थोड़ा सा रुक के आएगा, उस केस में जो है मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप किसको लेना चाहोगे, विराट कोहली को या फिर अपनी टीम में रोहित शर्मा को, या फिर दोनों को लेकर केएल राहुल या बाबर आजम में से किसी एक को ड्रॉप करोगे। सो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अभी के लिए यहाँ पर रोहित शर्मा को मैंने अपनी टीम में लिया है। अब क्योंकि हमारे पास दो प्लेयर के क्रेडिट जो हैं वो है 8.5-8.5 क्रेडिट बच रहे हैं, मैंने यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में लिया है। आप यहाँ पर फ़खर जमान को भी ले सकते हैं, हम एक टीम ये भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पर जो है शादाब खान के साथ गया हूँ। सो ये जो है मेरी टीम बन रही है, ठीक है। सो ये स्मॉल लीग की टीम बन रही है। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो अभी के लिए वैसे कैप्टन वाइस कैप्टन केएल राहुल और बाबर आजम ये सेफेस्ट चॉइस अभी के लिए नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा रन्स बन नहीं रहे हैं। सो उस हिसाब से अगर देखें सो बॉलर और ऑलराउंडर पर फोकस करना ज़्यादा बेटर होगा। सो जसप्रीत बुमराह भी मेरे कैप्टन हैं और रविंद्र जडेजा मेरे वाइस कैप्टन हैं। सो ये जो है मेरी स्मॉल लीग की टीम अभी के लिए है। बात कर लेते हैं अगर विजन 11 की, जहां पर क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहां पर जो मेरी टीम है वो मैं यहां पर विराट कोहली को ले पा रहा हूं। सो यहां पर ये जो टीम है इसमें भी 11th प्लेयर जो है शादाब खान, ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। आप यहां पर इसकी जगह फ़खर जमान को भी ऐड कर सकते हैं, वो विकेट के ऊपर देखकर हम डिसाइड करेंगे, या फिर इवन ठाकुर के साथ भी जा सकते हैं। सो ये एक ऑप्शन रहेगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में 300 रुपये का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा, डेली गिव अवे भी यहां पर होते हैं। सो ज्वाइन कर लो, सबसे लोएस्ट एंट्री फीस है, सो बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। साथ के साथ अगर ग्रैंड लीग टीम की बात करूं, सो ग्रैंड लीग टीम जो है मैंने ये बनाई है, इसमें मैंने शामी को कैप्टन और यहाँ पर हसन अली को वाइस कैप्टन रखा है, और यहाँ पर फ़खर जमान और सूर्य कुमार यादव दोनों जो कम सेलेक्टेड वाले प्लेयर हैं लेकिन पोटेंशियल है, उन दोनों के साथ मैं यहाँ पर गया हूँ। सो ये मेरी एक ग्रैंड लीग की टीम है जो आप मेगा ग्रैंड लीग में लगा सकते हैं एक आधा चेंज करके, ताकि क्लैश से आप बच जाएँ। आपके लिए ये ग्रैंड लीग की टीम है, और बाकी स्मॉल लीग की टीम जो है वो ये रही, आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू जुड़ जाना। आपको क्या लगता है आज सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ सबसे ज़्यादा रन कौन करने वाला है। और आई होप आज आप अच्छा विन करो, और सबसे ज़रूरी आई होप आज इंडिया आराम से विन कर जाए। थैंक यू गाइज़।